बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज की तरफ से फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमारा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, और इसमें हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, और इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर को अपनी बुक के पेज 68 पे देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ वाटर। पानी जो है जो ज़मीन पे पाया जाता है, इसकी बुनियादी तौर पे दो बड़ी टाइप्स हैं, एक ग्राउंड वाटर है और दूसरा सरफेस वाटर है। पहले हम ग्राउंड वाटर को देख लेते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्राम डीप वेल्स एंड सबटेरेनियन स्प्रिंग्स। ये जो है इसकी इब्तदा जो है ये कहाँ से होती है, जो गहरे कुएँ होते हैं वहाँ से, और ज़ेर ज़मीन जो पानी के चश्मे हैं वहाँ से पानी आता है, वो पानी जो है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। दिस इज़ वर्चुअली फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया ड्यू टू फिल्टरिंग एक्शन ऑफ सोयल, डीप सैंड एंड रॉक। तो ये जो पानी होता है ये अमूमी तौर पे बैक्टीरिया से पाक होता है, और बैक्टीरिया से पाक कैसे हो जाता है कि जो फिल्टरिंग एक्शन है सोयल का, फिर उसके नीचे जो है गहरी रेत होती है, सैंड होती है, उसके पीछे नीचे जो फिर रॉक्स हैं। असल में ज़मीन जो है, ज़ेर ज़मीन जो पानी पाया जाता है उसके ऊपर की लेयर्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट लेयर जो है वह सोयल की है। सोयल क्या है, जहाँ तक बायोलॉजी और जियोलॉजी एक साथ जा रहे हैं, इट मींस के कोई ज़िंदगी की जो है कोई भी फॉर्म, चाहे वो हशरातुल अर्ज़ हों या कोई जड़ें वगैरह हों दरख्तों की, जहाँ तक भी ज़िंदगी साथ साथ जाएगी तो उस एरिया को हम सोयल बोलते हैं। उसके बाद फिर सैंड आ जाती है, सैंड के अंदर बहुत ही कम जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें पाई जाती हैं, उसके नीचे फिर रॉक्स हैं, और फिर नीचे जो है ज़ेर ज़मीन ये पानी होता है। ये जो पानी है ग्राउंड वाटर कहलाता है, जो हम बोर के सिस्टम तरीके से या प्लम्बिंग तरीके से या वेसल्स के थ्रू जिसको हम निकाल के इस्तेमाल करते हैं। हाउ इट मे बिकम कंटेमिनेटेड व्हेन इट फ्लोज अलॉन्ग द चैनल्स, लेकिन तहम ये पानी जो है ये आलूदा हो सकता है जब ये चैनल्स के थ्रू जो है फ़्लो कर रहा होता है। यानी इसी पानी को हमने निकाला और म्यूनसिपल की टैंकी में चला गया, उस टैंकी के ज़रिए जब वही पानी सप्लाई हो रहा है तो उस दौरान उसमें कोई मिक्सिंग हो सकती है किसी और पानी की, और या फिर नीचे से निकाला जा रहा है वहीं से कोई लीकेज हो जाती है, तो इस तरह से ये पानी जो है आलूदा भी हो सकता है। दूसरी जो पानी की टाइप है सरफेस वाटर, इट इज़ फाउंड इन स्ट्रीम्स, लेक्स एंड शैलो वेल्स। ये कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रीम्स में, दरिया, नदी, नाले जो हैं बहने वाला पानी है, और झीलें हैं, और कम गहरे कुएँ जो है उसका पानी जो है वो सरफेस वाटर कहलाता है। अमूमी तौर पे ऐसा पानी जो ज़मीन के नीचे है और उसको हम बोर के ज़रिए से निकालें वो ग्राउंड वाटर होगा, और वो वाटर जो अनकवर्ड है जितना भी आपको नज़र आ रहा है नदी नालों में, झीलों में, और कम गहरे कुओं में जो भी नज़र आ रहा है जो अनकवर्ड है, ये इस पानी जो है क्या कहलाता है, सरफेस वाटर कहलाता है। The air through which the rain passes may contaminate the water, और वो हवा जिसमें से बारिश गुजर रही होती है तो वो जो है पानी को, इस पानी को क्या कर सकती है, आलूदा कर सकती है। अदर सोर्सेज आर वेरियस टाइप्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स एंड एग्रीकल्चर फार्म्स एट्सेट्रा बाय द साइड द वाटर फ्लोज। दूसरे वो ज़राए मुख्तलिफ टाइप्स के हैं जो इस पानी को आलूदा कर सकते हैं, इनमें इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट्स से यहाँ से मुराद ये लिया गया है इकोलॉजी के हवाले से कि जब ये प्लांट्स के लिए या एनिमल के लिए एक नया हैबिटेट तैयार किया जाए और उनको शिफ्ट किया जाए, तो इस तरह की जो भी आपका सेटअप होगा उसको इस्टेब्लिशमेंट्स कहा जाता है। और एग्रीकल्चर फार्म्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, अगर उन जगहों से पानी गुजर रहा हो तो ये पानी जो है ये भी पानी के आलूदा होने के ये भी कुछ ज़राए होते हैं। पॉसिबल सोर्सेज ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर आर सोयल एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ, फार्म एनिमल्स, रेन वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज फ्राम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड स्टॉर्म वाटर रन ऑफ फ्राम अर्बन एरिया। तो वो चीज़ बातें या वो जो पानी को माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जिनके अंदर माइक्रोब की जो है आलूदगी कर सकती हैं, तो वो जो ज़राए हैं मुमकिन ज़राए वो कौन कौन से हैं। एक तो सोयल है, जहाँ तक
बायोलॉजी मौजूद है, तो वो अगर मिट्टी जो है फिर पानी के अंदर शामिल होती रहे तो पानी के अंदर जो है वो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन कर देती है। एग्रीकल्चर रन ऑफ है और जो ज़रई एरियाज़ का जो पानी वहाँ से गुजर के जाएगा, फिर जाएगा दरियाई नदी नालों में, वो वाला पानी फार्म एनिमल्स जानवरों के फार्म हैं उनको जो है वाश किया जाता है, वहाँ से पानी आ रहा है। रेन वाटर है, बारिशों का पानी जो है आखिरकार जो कहीं भी घर से कहीं भी से पानी चल रहा है तो आखिरकार उसने किसी न किसी ओपन या सरफेस वाटर के अंदर शामिल होना है। इस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बहुत बड़ा मसला पानी को आलूदा करने का। और डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, देखिए सीवेज की जो ट्रीटमेंट प्लान है जो प्लांट है सॉरी वो पानी जो सीवरेज का पानी होता है फिर आखिरकार किसी प्लांट में जाता है, वहाँ से उसको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद वो पानी जो है एग्रीकल्चर के लिए कहीं और भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो उसकी जो वेस्टेज है उसको जब कहीं पे फेंका जाएगा तो वो भी आखिरकार सरफेस वाटर को आलूदा करने का सबब बनेगा। इसके अलावा अगर तूफ़ानी बारिशें हो जाएं शहरी इलाकों में तो उस बारिशों की वजह से उस एरियाज़ की जितनी भी गंदगी होगी वो सारा पानी अपने साथ बहा के ले जाता है और साथ ही किसी नदी नाले में उसको शामिल कर देता है। तो इस तरह से पानी के अंदर माइक्रोब के कंटेमिनेशन के जो मुमकिन ज़राए हैं उनमें सॉयल है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, फार्म एनिमल्स हैं, रेन वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है और डिस्चार्ज है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का, और तूफ़ानी बारिशें जो शहरी इलाकों से गंदगी को बहा के अपने साथ ले जाती है। तो अब ये था पानी की दो बड़ी अकसाम। अब हम इसी के बारे में जब माइक्रोब के हवाले से हम इसी पानी को स्टडी करेंगे तो ये फिर वाटर माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा। तो वाटर माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी क्या डेफिनेशन क्या होगी? वाटर बायोलॉजी इज़ कंसर्न विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लाइव इन वाटर आर कैन ट्रांसपोर्टेड फ्राम वन हैबिटेट टू अनदर बाय वाटर। तो इस वाटर माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रोब्स को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं जो पानी के अंदर रह रहे होते हैं या फिर पानी के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड नेचुरली इन फ्रेश एंड साल्ट वाटर। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कुदरती तौर पर पानी के अंदर पाए जाते हैं। पानी की दो अकसाम यहाँ पे बताई जा रही है, फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। देखें जो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर तो वही है जिसको हम बोर करके निकालेंगे अपने पीने के लिए, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वो पानी जो खुला पानी है जिसको हमने सरफेस वाटर के तौर पे पढ़ा, कहाँ कहाँ पे होता है जी? स्ट्रीम्स में, लेक्स में और शैलो वेल्स में, यानी दरिया नदी नालों का पानी, और जो है फिर आखिरकार वो पानी जो है आखिरकार समंदर में जाके शामिल हो रहा है। तो ये जो अनकवर्ड वाटर है जिसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं, फिर फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, एक फ्रेश वाटर है, दूसरा साल्ट वाटर है। तो पानी की वो किस्म जो अभी तक समंदर में शामिल नहीं हुआ वो सारा का सारा जो वो फ्रेश वाटर कहलाता है, और जब पानी वही समंदर में शामिल हो जाता है ओशीन वाटर या मैरीन ओशीन में या मैरीन जिसको हम बोलते हैं तो वो फिर साल्ट वाटर कहलाता है। तो इस तरह सरफेस वाटर की दो टाइप्स हुई, फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। तो फ्रेश वाटर हो या साल्ट वाटर हो तो इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब जो हैं कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। दीज इंक्लूड बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्जी एंड टिनी एनिमल्स सच एज रोटिफर्स। तो इनमें बैक्टीरिया शामिल हैं, साइनोबैक्टीरिया शामिल हैं, प्रोटोजोआ शामिल हैं, एल्जी शामिल हैं और छोटे छोटे जानदार जैसे रोटिफर्स हैं, कुदरत के खाने वाले कीड़े मकोड़े। दीज कैन बी इंपॉर्टेंट इन द फूड चेन दैट फॉर्म अ बेसिस ऑफ लाइफ इन वाटर। और ये बहुत ही अहम होते हैं अपनी अपनी जगह पे उस फूड चेन के अंदर जो एक दूसरे को खुराक बहम पहुंचा रहे हैं और जो पानी के अंदर ज़िंदगी की यूँ समझे कि बुनियाद भी बनाते हैं ये। फॉर एग्जांपल द माइक्रोब्स कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया कैन कन्वर्ट एनर्जी ऑफ सन इनटू द एनर्जी इट नीड्स टू लाइव। और जो साइनोबैक्टीरिया है जो कि एनर्जी को सूरज की रोशनी से हासिल करता है और उसको उस एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिसको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। द प्लेंटिफुल नंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज टर्न यूज्ड एज फूड फॉर अदर लाइफ। और ये जो बहुत सारी बेशुमार अकसाम है ऑर्गेनिजम्स की, ये अपनी अपनी बारी पे किसी और ज़िंदगी के लिए खुराक का सबब जो है बन रहे होते हैं। The algae that thrive in water are also an important food source
फॉर अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, और वो एल्जी जो कि नशोनमा पाती है पानी के अंदर, वो बहुत ही अहम जो है वो खुराक का ज़रिया है दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए। यूँ समझे कि एल्जी है, एल्जी को जो है दूसरे छोटे छोटे जानवर खाते हैं, उनको और बड़े जानवर खा जाते हैं, फिर उन्हीं जानवरों के मरने के बाद उनको मुख्तलिफ माइक्रोब्स जो हैं वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद उसको जो है इस तरह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए अपनी अपनी बारी पे खुराक का जो है वो ज़रिया बन रही होती हैं। तो वाटर माइक्रोबायोलॉजी में आज के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें हमने पहले नंबर पे ये पढ़ा कि ज़मीन पे पाया जाने वाला पानी जो है बेसिकली दो तरह का होता है, ग्राउंड वाटर जो ज़ेर ज़मीन पानी है, और सरफेस वाटर जो अनकवर्ड खुला पानी है। जो ज़ेर ज़मीन पानी होता है आम तौर पे बैक्टीरिया से ये पाक होता है ज़मीन के फ़िल्टरिंग एक्शन की वजह से, लेकिन जब ये वेसल्स में चैनल्स में फ़्लो कर रहा होता है तो उस दौरान ये आलूदा भी हो सकता है। सरफेस वाटर है जो वो पानी है जो खुला पानी है, इसमें दरिया नदी नालों का पानी, झीलों का पानी और कम गहरे कुएँ जो हैं, और ये पानी जब बारिश होती है तो बारिश जो है हवा में मुअल्लिक जितने भी कसाफते हैं उन सबको पानी के अंदर शामिल करके इसको आलूदा कर सकती है। और दूसरे जो इस पानी के आलूदा होने की जो दूसरे सोर्सेज है उसमें इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नए हैबिटेट का तैयार करना और एग्रीकल्चर फार्म है, तो अगर ये इन साइड से पानी का बहाव होगा तो पानी जो है आलूदा होगा। और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के जो पॉसिबल सोर्सेज हैं सरफेस वाटर के लिए, उनमें सॉयल है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, फार्म एनिमल्स हैं, बारिशों का पानी है, इंडस्ट्रीज़ का वेस्टेज है, और सीवेज ट्रीटमेंट का जो आखिरकार डिस्चार्ज है, और तूफ़ानी बारिशें जब शहरी एरियाज़ में होती हैं तो वहाँ से जितने भी गंदगी के ढेर होते हैं वो सारे पानी अपने साथ बहा के ले जाता है और सरफेस वाटर को आलूदा कर देता है। और यहीं पे हमने वाटर माइक्रोबायोलॉजी की जो है एक टिपिकल डेफिनेशन भी पढ़ ली, कि अगर वाटर माइक्रोबायोलॉजी को डिफ़ाइन करना हो तो अब ये बताएंगे कि इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी जो है इसका ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रह रहे होते हैं या पानी के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। और पानी जो सरफेस वाटर है इसकी फिर फर्दर हमने दो टाइप्स पढ़ी, फ्रेश और साल्ट वाटर। जब तक पानी समंदर में शामिल नहीं होगा, दरिया नदी नालों का पानी, तब वो फ्रेश वाटर कहलाएगा, और अगर समंदर में शामिल हो जाएगा तब फिर हम इसको मैरीन या साल्ट वाटर बोलेंगे। अब यही जो सरफेस वाटर है, चाहे फ्रेश है या साल्ट वाटर है, कुदरती तौर पे इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। चूँकि हमारा ताल्लुक ही माइक्रोबायोलॉजी से, हमने पढ़नी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है बहुत सारे पाए जाते हैं पानी के अंदर, चाहे फ्रेश हो वो साल्ट वाटर हो, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्जी और छोटे छोटे जानदार जो कुदरत के खाने वाले होते हैं। तो ये पानी के अंदर जो ज़िंदगी है वो एक दूसरे के लिए उस फूड चेन में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, वो किसी चीज़ को अगर खा रहे हैं तो किसी और के खुराक का सबब भी होते हैं। तो इतना आज के हवाले से काफ़ी है, आप इस चीज़ को देखेंगे अपनी बुक के पेज 68 और 69 पे। फिर फर्दर हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।